हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ये कंसेप्ट हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में प्रोवाइड कर दिए। तो हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आज जो देखेंगे वो C++ में हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कैसे यूज करते हैं, क्या होता है वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, वो आज हम देखेंगे। पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देती हूँ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है। जब हम फॉर्मल पैरामीटर को कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का यूज क्या होता है, जब हम एचटीएमएल पैरामीटर कॉल करते समय पास नहीं करेंगे उस टाइम हमारे डिफॉल्ट वैल्यूज यूज हो जाएंगे। ये जो कंसेप्ट है वो हमें सी में हम यूज नहीं किए, क्योंकि सी हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। पहले मैं आपको एक प्रोग्राम सिंपल सा एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो, यहाँ पर मैंने एड नाम का एक फंक्शन लिया, यहाँ पर मैंने N1 N2 पैरामीटर्स लिए, यहाँ पर मैं एडिशन ऑफ टू नंबर परफॉर्म कर रही हूँ। एडिशन इज इक्वल टू N1 प्लस N2। तो यहाँ पर मैंने इस फंक्शन में मैंने कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं किए, इसलिए मैंने यहाँ पर रिटर्न डेटा टाइप पुट कर दिया void। यहाँ पर अब मैं मेन से उस फंक्शन को कॉल कर दूंगी। तो मेन से फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने नॉर्मल फंक्शन लिखा है एड, यहाँ पर मैंने फंक्शन वो क्लास में पुट नहीं कर दिया, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये फंक्शन क्लास में पुट कर दोगे तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट से इस फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एड 5 और 6, तो यहाँ पर क्या होगा, इसे हम कहेंगे एक्चुअल पैरामीटर्स और इसे हम कहेंगे फॉर्मल पैरामीटर्स। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर रिप्लेस किससे होता है, फॉर्मल पैरामीटर से। तो यहाँ पर N1 को वैल्यू असाइन हो जाएंगे 5 और N2 के वैल्यू असाइन हो जाएगी 6 और आपका आउटपुट आएगा 5 + 6 = 11, करेक्ट है। तो यहाँ पर ये हमने विदाउट यूजिंग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ये प्रोग्राम देखा। लेकिन जब हम ऐसा कॉल करेंगे एड इज इक्वल टू, तो ये कॉल आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पर आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स इज नॉट इक्वल टू फॉर्मल पैरामीटर्स। तो हमें ये कॉल अगर वर्क करना है तो उस समय हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। आया समझ में आपको? तो यहाँ पर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है ये कंसेप्ट में बता दे रही हूँ फिर से। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट से प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे यही कॉल एग्जीक्यूट करना है, अगर मैं यहाँ पर पैरामीटर नहीं पास करूँगी तभी भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो यहाँ पर मुझे फॉर्मल पैरामीटर्स को कौन सी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने N1 इज इक्वल टू 0 और N2 इज इक्वल टू 5। तो ये जो है मेरी N1 इज इक्वल टू 0 और N2 इज इक्वल टू 5, ये क्या है मेरी डिफॉल्ट वैल्यूज। अब ये डिफॉल्ट वैल्यूज कब यूज हो जाएगी, जब मैं एक्चुअल पैरामीटर पास नहीं करूंगी उस समय हमारी कौन सी वैल्यूज यूज हो जाएंगी, डिफॉल्ट वैल्यू। फिर से हम एक बार ये एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने दोनों भी एक्चुअल वैल्यूज यूज पास कर दी, तो यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू जो है N1 इज इक्वल टू 0 और N2 इज इक्वल टू 5, ये दोनों वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी और ये जो हमने पास की हुई वैल्यू है वो यूज हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर आउटपुट आएगा एडिशन इज इक्वल टू 11। तो इस एग्जाम में क्या हो जाएगा, इस एग्जाम्पल में N1 और N2 को मैंने फंक्शन कॉल करते समय कोई भी वैल्यू पास नहीं की है, तो उस समय यहाँ पर मेरी कौन सी वैल्यू यूज हो जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यूज यूज हो जाएगी। तो यहाँ पर N1 इज इक्वल टू 0 और N2 इज इक्वल टू 5, तो हमें एडिशन क्या डिस्प्ले हो जाएगी, N1 प्लस N2, दैट इज आपको एडिशन आ जाएगी 5। अदरवाइज हम ये कॉल करेंगे एड इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू पास की है, तो उस समय दूसरी जो N2 की वैल्यू है वो डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाएगी। तो यहाँ पर N1 को कौन सी वैल्यू यूज हो जाएगी, 16, तो उस समय डिफॉल्ट वैल्यू इग्नोर हो जाएगी और N2 को 5, तो 16 प्लस 5 हमको एडिशन क्या डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पर, 21। हाँ, समझ में डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती है। तो डिफॉल्ट वैल्यूज का यूज क्या होता है, जो पैरामीटर्स हम
फंक्शन में जो पैरामीटर्स हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं और फ्रिक्वेंटली जो पैरामीटर्स को हम सेम ही वैल्यू जब हर एक टाइम यूज़ करेंगे तो उस समय हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अगर आपको ऐसा प्रोग्राम दिया है, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास वर्कर हैविंग थ्री डेटा मेम्बर्स, वर्कर नेम, नंबर ऑफ आवर्स टू वर्क एंड पे रेट, एंड राइट अ नेसेसरी मेम्बर फंक्शन एंड कैलकुलेट सैलरी ऑफ वर्कर यूजिंग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो हम कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। तो उन्होंने हमें बोला है कि क्रिएट अ क्लास वर्कर, इसलिए मैंने एक वर्कर नाम का क्लास डिफाइन कर दिया। उन्होंने हमें थ्री डेटा मेम्बर्स डिफाइन करने के लिए कहा है, तो मैं यहाँ पर थ्री डेटा मेम्बर्स, वर्कर नेम, तो उसके लिए हमारा कैरेक्टर एरे आ जाएगा। यहाँ पर कैरेक्टर एरे की साइज आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 20 कैरेक्टर्स की साइज मेंशन कर दी है। और हमको क्या क्या चाहिए, पे रेट, पर आर रेट फॉर वर्कर एंड नंबर ऑफ आवर्स, उसके लिए मैंने डेटा मेंबर लिया HR। तो यहाँ पर उस प्रोग्राम में हमें डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के कंसेप्ट यूज़ करनी है। तो हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट किसको एज अ ट्रीट करेंगे, मैं पे रेट को भी कर सकती हूँ, अदरवाइज हम आवर्स को भी कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में यहाँ पर मैं पे रेट को डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एज अ ट्रीट करूँगी। क्यों? क्योंकि मल्टीपल वर्कर्स का पे रेट सेम हो सकता है, इसलिए मैं पे रेट को एज अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कंसिडर करूंगी। तो हमें अभी यूजर से कौन से वैल्यूज एक्सेप्ट करने हैं, वर्कर का नेम और नंबर ऑफ आवर्स टू वर्क। तो यहाँ पर मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर रही हूँ, क्योंकि हमें ये जो मेथड्स हैं वो क्लास के बाहर एक्सेप्ट करने हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं एक मेथड लिख रही हूँ void accept, क्योंकि accept मेथड मेरी कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगी। तो cout क्यों, क्योंकि हमें यूजर को कोई तो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है। तो हमें यूजर से क्या वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, एंटर वर्कर नेम, सी इन एज अ, हमें यूजर से अगर कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करनी है तो हम सी इन यूज कर सकते हैं, लाइक स्कैन ए होता है सी में। सी इन हमें वर्कर नेम किस वेरिएबल में स्टोर करना है, नेम, तो सी इन मैंने नेम लिया। सी आउट फिर से मुझे दूसरी वैल्यू कौन सी एक्सेप्ट करनी है, एंटर नंबर ऑफ आवर्स टू वर्क, नंबर ऑफ आवर्स, सी इन नंबर ऑफ आवर्स में एच आर में स्टोर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी एक्सेप्ट मेथड हो गई। उसके बाद मुझे क्या करना है, तो कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, सैलरी ऑफ वर्कर। तो सैलरी ऑफ वर्कर कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर मेथड लिख रही हूँ कैल, और उस मेथड में मैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट या कंसेप्ट यूज करूंगी। तो हमने अभी क्या डिसाइड किया, हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एज अ पे रेट को ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर पे रेट का डाटा टाइप है फ्लोट, फ्लोट आर इज इक्वल टू, मैंने अभी डिफॉल्ट वैल्यू ले ली यहाँ पर 50 मीन्स जो हमारा वर्कर हमारे यहाँ पर काम करेगा उसका पर आर का रेट होगा 50। आपको चाहिए वो वैल्यू आप यहाँ पर ले सकते हो, यहाँ पर मैंने 50 ले ली है। तो हमें क्या करना है, पहले मैं क्या करूंगी, हम सिर्फ एक ही पैरामीटर ले सकते हैं या मुझे अगर आस भी डालना है डिफॉल्ट वैल्यूज में तो हम ले पाएंगे? हाँ ले पाएंगे ना, कुछ भी नहीं कि एक ही पैरामीटर एज अपन डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं। आपको जितने चाहिए उतने पैरामीटर्स एज अ डिफॉल्ट यूज कर सकते हो, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, को ये डिफॉल्ट वैल्यू आर जो है वो असाइन कर दी, क्योंकि हमें थ्री डेटा मेंबर्स उन्होंने कहा है लेने के लिए। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, सैलरी ऑफ वर्कर कैसे कैलकुलेट होगा, अगर कंसिडर करिए हमारे पास एक वर्कर है वो 10 आवर्स के लिए काम कर रहा है और उसकी पर आवर की सैलरी है 50 रुपीज। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा रेट है इनटू मल्टीप्लाई बाय आवर्स, सेम लॉजिक हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमें सैलरी इज इक्वल टू फ्लोट, सैलरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स इनटू पे रेट। तो यहाँ पर मैं वो आउटपुट डिस्प्ले कर दूंगी, सैलरी नेम ऑफ एम्प्लॉई किस में स्टोर किया है मैंने, नेम में, और उसके बाद स्लैश एन भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज हम सी प्लस प्लस में हमें एंड एल करके एक ऑपरेटर प्रोवाइड किया है, एंड लाइन वो ऑपरेटर भी हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं सैलरी डिस्प्ले करने वाली हूँ, सैलरी हमारे किस वेरिएबल में स्टोर है, सैल, वो भी डिस्प्ले। और ये मेरा जो कैलकुलेट फंक्शन है वो कैलकुलेट फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पर रिटर्न डेटा टाइप क्या आ जाएगा, void। तो यही दो फंक्शन लिखने थे हमें, वैल्यू एक्सेप्ट करनी थी यूजर से और कैलकुलेट करनी थी सैलरी। तो यहाँ पर हमने कर दी। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो क्लास ओपन किया है
वो मैं क्लोज कर दूंगी। और यहाँ पर आपको कंपलसरी सेमीकोलन देना है, क्योंकि सी प्लस प्लस में हर कोई क्लास एंड होता है सेमीकोलन से। अगर आप गलती से भी यहाँ पर सेमीकोलन भूल गए तो आपको यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अभी क्लास तो लिख लिया, क्लास में दो मेथड्स भी लिख लिए, तो हमें क्या करना है अभी उस मेथड को कॉल करना है, इसलिए मैं मेन फंक्शन से कॉल करती हूँ। अगर आपको क्लास की कोई भी मेथड कॉल करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। कौन सा क्लास है, वर्कर। वर्कर का मैंने क्लास क्रिएट कर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया ओबी, और यूजिंग ऑब्जेक्ट मैं इस मेथड को क्या करूँगी कॉल। तो मुझे पहले वर्कर की इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करनी है, इसलिए मैंने ओबी डॉट एक्सेप्ट मेथड कॉल कर दी। और उसके बाद मैं क्या यूज करूंगी, कैल। तो ओबी डॉट कैल, अगर मैं यहाँ पर कैल को ऐसे ही कॉल दूंगी, मीन्स यहाँ पर मैंने पैरामीटर नहीं पास किए, तो उस समय मेरी डिफॉल्ट वैल्यू क्या यूज हो जाएगी, 50। अगर मैंने अलग सा वर्कर का और एक ऑब्जेक्ट बना दिया और ओबी वन डॉट एक्सेप्ट और ओबी वन डॉट कैल को अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू पास कर दी, तो उस समय हमारी ये डिफॉल्ट वैल्यू है वो इग्नोर हो जाएगी और रेट क्या आ जाएगा, 100। और यहाँ पर हमारी कौन सी वैल्यू यूज हो जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाएगी। अगर आपको ये कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ में आई है तो यही प्रोग्राम का कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आप चाहिए तो वो रन कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्लास की कोई भी मेथड को एक्सेस करना है तो मैं यूजिंग ऑब्जेक्ट से ही कर सकती हूँ। तो मेरा क्लास है वर्कर, उसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया ओबी। तो ऑब्जेक्ट से हम कॉल करेंगे ओबी डॉट एक्सेप्ट, पहले हमें इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करनी है, इसलिए मैंने एक्सेप्ट मेथड को कॉल कर दिया। उसके बाद ओबी डॉट कैल, तो यहाँ पर मैंने कैल मेथड को कोई भी पैरामीटर्स नहीं पास करिए, तो यहाँ पर मेरे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स यूज हो जाए, यहाँ पर मेरी डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाएगी 50। तो हम मैंने प्रोग्राम लिखा है, तो मैं पहले प्रोग्राम में सेव कर देती हूँ। स्लिप मेरा फर्स्ट स्लिप का फर्स्ट प्रोग्राम है, आपको चाहिए तो नाम आप दे सकते हैं। कंपाइल किया मैंने प्रोग्राम, यहाँ पर टू वार्निंग्स आई है हमें। टू वार्निंग्स कौन सी आई है, रिटर्न स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर मैंने कैल मेथड यूज़ किया, लेकिन कैल मेथड के लिए मैं कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही, तो यहाँ पर मैं रिटर्न डेटा टाइप लिखूंगी वॉइड। करती हूँ, कंपाइल करती हूँ, मेरे जीरो वार्निंग आई है। अभी मैं प्रोग्राम रन करती हूँ। एंटर नेम, मैंने नेम एंटर कर दिया नेहा। मैं एंटर आर्स कर रही हूँ, मैं 12 आर्स मैंने काम किया, तो मेरी सैलरी कितनी आएगी, 12 into 50, क्योंकि हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज हो जाएगा 50, तो मेरी सैलरी आ गई। पर हमने डिफॉल्ट वैल्यू यूज़ की, अगर आपको डिफॉल्ट वैल्यू नहीं असाइन करनी तो यहाँ पर आप चाहिए वो वैल्यू यूज़ कर सकते। तो यहाँ पर मैंने कौन सी वैल्यू कैल फंक्शन में कौन सी वैल्यू यूज़ कर दी, 100। तो यहाँ पर मैंने जो 100 वैल्यू यूज़ करी है, तो यहाँ पर मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उस समय ये 50 ये इग्नोर हो जाएगी और आपकी सैलरी कौन से रेट से कैलकुलेट हो जाएगी, 100। ये भी मैं हम चेक करेंगे। कंपाइल किया मैंने प्रोग्राम, रन किया, नेम एंटर किया मैंने नेहा। अभी मेरा एंटर किया मैंने सैलरी, एंटर आर की है 12 आर्स, तो यहाँ पर मेरी सैलरी क्या कैलकुलेट होगी, 1200, क्योंकि यहाँ पर मेरी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो इग्नोर हो गई है। तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।